99 के न्यूज चैनल सच का साथ की खबर। सागर मध्य प्रदेश से आ रही पर खुरई देहात थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपी को यहां पर आपको बता दें कि कोरासा गांव से गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। खुरई देहात थाना पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को कोरासा गांव से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। खुरई देहात थाना पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल युवती ने 18 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही दो युवकों ने 30 मार्च को शौच करने के लिए बाहर जाते समय रास्ते में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों लगातार जान से मारने की धमकी देते रहे, लेकिन उसने हिम्मत कर बाद में परिजनों को बात बताई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में आरोपी फरार थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी दीपक कुर्मी और बिट्टू चढ़ार को कोरासा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।